इशिता? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? सुधा जी, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। एक्चुअली गलती इशिता की ही है। तुम दोनों ने मिलकर मेरे बेटे को बिगाड़ा है। मैं पूछती हूँ क्यों? करण का क्या लेना देना इससे? इसमें करण का ही लेना देना है इन सब से। पागल कर रखा उस लड़के ने मुझे। मैं लंदन क्यों चली गई, वापिस आए तो बस एक ही बात, इशिमा क्या कुकिंग करती है, इशिमा दिस, इशिमा दैट। वो तो भूल ही गया कि मैं उसकी माँ हूं। ठीक है, मैं तुम्हें वार्न करती हूँ इशिता, एक बार रूही और करण की शादी हो जाने दो, फिर मैं रूही को इस कदर पैम्पर करूंगी कि वो तुम्हें भूल जाएगी और सिर्फ मेरा ही नाम लेगी। वेल, जोक्स अपार्ट, हाँ, इसने तो पागल कर रखा है उसको। आज मैं बहुत खुश हूँ। सिमी ने मुझे बताया कि आप दोनों यहाँ आए हो डॉक्टर से मिलने, इसलिए मैं भी यहाँ चली आई। I am really sorry. Let me introduce myself. मैं सुधा श्रीवास्तव, इनके होने वाली समधन हूँ। I hope मैंने आप लोगों को इंटरप्ट तो नहीं किया ना। Actually, receptionist से मैं पूछकर यहाँ आ रही हूँ। मैंने उनसे पूछा भी कि कोई पेशेंट है या नहीं, तो उन्होंने कहा कि यहाँ कोई नहीं है। तो I assume कि यहाँ पर सिर्फ रमन और इशिता होंगे और मैं यहाँ चली आई। इतना तो मैं समझ गई थी कि ये दोनों यहाँ रूही के बारे में बात करने आए होंगे, राइट? हाँ। करण ने मुझे बताया कि डॉक्टर पंखुड़ी ने रूही को बिल्कुल ठीक किया है, एंड आई पर्सनली वांट टू थैंक यू फॉर दैट। बहुत बहुत शुक्रिया। कहीं आप वो सर्वोदय हॉस्पिटल? यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। मैंने कहा ना, मिसेस सुधा श्रीवास्तव, सर्वोदय हॉस्पिटल्स की MD। हेलो, मैंने काफी सुना है आपके बारे में। थैंक यू सो मच। वेल, थैंक यू सो मच सुधा जी। हाँ मीका, अच्छा ज्वेलर आ गए? मैम नहीं, हम लोग आते हैं। आप सुधा जी, घर पे ज्वेलर आए हैं, आप चलेंगे? साथ में डिजाइन्स आप भी फाइनल कर लीजिएगा। ऑफ कोर्स, चलो चलो चलते। वंस अगेन, इट वाज अ प्लेजर मीटिंग यू। सेम। चले। वाओ, दिस वन इज सो प्रिटी, मुझे यही वाला चाहिए। ये तो बहुत एक्सपेंसिव है। आलिया? हाँ, एक मिनट आई। दादू, नहीं, एक सेकंड में आया। आप लिखो ना इधर। विघ्नन आइए, भारी है ना? इसको साइड में रख दीजिए प्लीज। अरे मॉम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं ठीक। मॉम रूही, कैसी हैं आप? आपके तबीयत कैसी है? बिल्कुल ठीक हूँ, पर तुम कुछ ज्यादा ही स्ट्रेस लग रही हो बेटा। जस्ट चिल, सब ठीक हो जाएगा। आ जाओ, बैठो बैठो। हाँ, बैठो। बड़े सही टाइम पे आई हैं आप। अब जूलरी देखिए ना। मदरस में इतनी सीरियस मत हो, सबको पता चल जाएगा। स्माइल। ये नेकलेस मुझे बहुत पसंद है। ये वाला? ये, यस, ये वाला। ये दिखाओ। हाँ, बहुत ही खूबसूरत है। मैं सोच रही हूँ अपनी बहू रूही को मैं ये नेकलेस प्रेजेंट करूँ। भाई, दुल्हन है, भरा भरा सा लगेगा। ये कैसा लग रहा है? ये पहन के तो दिखाओ रूही। अब हाँ। हम्म,
मॉम, मैं क्या कह रहा था, ये कितना गॉडी और लाउड है, हैवी ज्वेलरी से ना रैशेस हो जाते हैं, क्यों ना हम कुछ डेलिकेट, कुछ क्लासी सा देखें, रूई पे बहुत अच्छा लगेगा वो। ओह रियली? एक्चुअली मैं तुम्हें टेस्ट कर रही थी करण कि तुम कैसे रिएक्ट करोगे, बट आई एम ट्रूली इम्प्रेस्ड। मैं बेवकूफ थोड़ी ना हूँ जो अपनी बहू को ऐसे गहने पहनाऊंगी, बहुत ही गॉडी गॉडी। बस अरे मैं ये देख रही थी कि बिना बोले तुम रूही के दिल की बात समझ पा रहे हो या नहीं। करण, विच वन? ये वाला? ओह माय गॉड, ये बहुत अच्छा लग रहा है। रही है तो ये अप्रूव? हाँ हाँ, सुपर्ब लगेगा। सुपर्ब लगेगा ना, ये ज्यादा एक्साइटेड लग रहा है। ये लो बेटा, पहन लो। थैंक यू। वाओ, ये बिल्कुल परफेक्ट है। एंड रूही, मैं सिर्फ तुम्हारी सास नहीं हूँ बल्कि तुम्हारी माँ भी हूँ, इसलिए मेरे सामने फॉर्मेलिटीज करने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी हो दिल खोल कर बोलो, जैसे इशिमा से बात करती हूँ। अरे हाँ मॉम, ऑफ कोर्स मैं आपको बोल दूंगी। मुझे वो वाला भी अच्छा ही लगा था, ऐसी कोई बात नहीं थी, पर ये वाला बहुत ही सुंदर है। हाँ, पहन के तो दिखा। वाओ, बहुत ही खूबसूरत। हेलो, कैसी हो बेटा? I'm good, आप कैसे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सूट कर रहा है तुम पर। थैंक यू करण, थैंक यू वेरी मच, नॉट ओनली फॉर दिस बट फॉर अंडरस्टैंडिंग मी। मतलब मुझे पता था कि बाहर मॉम वो गॉडी नेकलेस के बारे में सीरियस नहीं थी, मजाक कर रही थी, पर तुम बिना बोले मेरी मन की बात समझ गए। ऐसा लग रहा था कि तुमने मेरा दिल पढ़ लिया, so thank you very much. मैडम, अब यही काम तो है मेरा, तुम्हारे दिल की बात को समझना। तुम ना मेरी दुनिया हो, यू आर माय वर्ल्ड। तुम्हारे दिल की बात नहीं समझूंगा तो किसके दिल की बात समझूंगा? और किसी के दिल की बात समझने भी नहीं दूंगी। क्या हुआ आलिया? हेलो, हाँ मैं करण बोल रहा हूँ, डॉक्टर जानवी कहाँ है? ओटी में, तो जो भी डॉक्टर अवेलेबल है ना जल्दी भेजो, मैं एड्रेस भेज रहा हूँ तुम्हें। क्या हो रहा है इस घर में? कल मैं बेहोश हो गई, आज आलिया बेहोश हो गई, व्हाट्स रॉन्ग? अच्छा वो योग वहाँ पे था, वरना पता नहीं आलिया के साथ क्या हो जाता। रूही का सच सबसे छुपाने की सजा दे रहे हमें मुरुगन, झूठ नहीं कहना चाहिए। उसको लगी तो नहीं है ना? कुछ नहीं होगा आलिया को, शीघ्र ही डॉक्टर आ रहे हैं। भल्ला हाउस कहाँ है? यहाँ से थर्ड फ्लोर। मिसेस भल्ला से अकेले मिलके ये रिपोर्ट दे दूंगी, किसी और के हाथ नहीं लगनी चाहिए। मीका, मेरी बीपी मशीन लेकर आओ ना जल्दी से। हाँ आलिया। आलिया प्लीज प्लीज आंखें खोलो प्लीज। क्या हुआ? डॉक्टर पंखुड़ी, थैंक गॉड आप बिल्कुल ठीक समय पे आई हैं। मेरी बेटी आलिया बेहोश हो गई है, कैन यू प्लीज चेक हर?
आलिया ठीक हो तुम? पानी चाहिए? ठीक है ना? पता नहीं क्या हुआ, चक्कर आ गए अचानक से। डॉक्टर डरने की कोई बात तो नहीं है अचानक? वेल फिकर की कोई बात नहीं है, बेहोश होने की वजह कुछ और है। क्या 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 वजह? नहीं पहले क्यों नहीं सोचा आलिया? क्या क्या चीज है शमा? क्या माँ? हाँ सब ठीक है, इनफैक्ट मोर देन ओके। प्लीज डॉक्टर क्लियरली बताइए क्या? रमन युग का सपना पूरा हो रहा है। तुम पापा बनना चाहते थे ना, बन रहे हो। क्या बात है, मेरा बेटा बाप बन जाएगा। भाई कांग्रेचुलेशन। ओह माय गॉड, बेबी आने वाला है घर में, आई एम सो एक्साइटेड। जल्दी मैं और रूही भी ना तुझे ज्वाइन करने वाले हैं, है ना मॉम? कांग्रेचुलेशंस यू। थैंक यू सो मच डॉक्टर, यहाँ के हमें इतनी अच्छी खबर देने के लिए। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। नीका पुत्र, मुंह मीठा करवा सबका। हाँ हाँ क्यों नहीं, लेकिन सबसे पहले मैं ये गुड न्यूज पेरियप्पा और पेरियम्मा को देके आती हूँ, ठीक है? मैं अभी आई। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।